الشيطان الرجيم فضل بسم الله الرحمن الرحيم हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कश्मीर में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पहाड़ी एरियाज में कहीं कहीं पे बर्फबारी भी हुई है। और ये भी आपको पता है कि इंशाल्लाह या तो फ्राइडे या तो सैटरडे को ईद उल फितर होगी और हर कोई ये जानना चाहता है कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो इसी के चलते हमने कांटेक्ट किया एमईटी डायरेक्टर सोनम लोटी जी से, उनका क्या कहना आइए जानते इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम 2019 से यतीमों और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जो भी पैसा YouTube से कमाते हैं उसी से इन लोगों की मदद होती है। तो अगर आप भी इस नेक काम में हमारा साथ देना चाहते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ये अभी की बड़ी खबर। कल यानी 20 और 21 को मौसम अमूमन ठीक ही रहने के दिन में, लेकिन शाम को कल परसों फिर बारिश की पॉसिबिलिटी है। शाम को या दोपहर के वक्त फिर बारिश का चांसेस है काफी सारे जगहों पे। 22 तारीख को भी और 23 से फिर अमूमन खुशक रहने का इम्कान है। इससे और इसी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जो दिन आ रहा है माह रमजान का, जो अभी ईद का मतलब त्यौहार आ रहा है, तो इसको लगता है कि सुबह के वक्त मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है और खुशक रहने का इम्कान है। शाम को बारिश का पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो लेकिन अभी क्योंकि मौसम आपको पता है, तो तब तक हम और अपडेट करेंगे। जी, मौसम बारिश तो हुआ है, अच्छी बारिश हुआ है। देखो, काफी सारे जगहों पे जैसे 30 से लेके 40 या 50, चंद जगहों पे तो 50 मिलीमीटर तक भी बारिश हुआ है। जैसे श्रीनगर में तो अभी सिर्फ इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन साउथ कश्मीर के चंद जगहों पे अच्छी बारिश हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई सवाल, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई खबर, नए अपडेट के साथ। तब तक रखे अपना ख्याल, बी सेफ और करे सबसे प्यार। मैं इम्तियाज रफीक, टीम इनविक्टस से साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय दोस्तों, वस्सलाम वालेकुम।